बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। नाज़रीन, अभी हाल ही में एक बड़ी न्यूज़ है, वो ये कि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, CIA अमरीकी हॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनमें अपना प्रोपेगेंडा दुनिया भर में अपने हिसाब से पहुँचा रहे, और उसमें अमरीकी CIA और इसमें बाकी पेंटागन के अलावा और भी इदारे शामिल हैं। एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक 3000 से ज़ायद फिल्में और शायद 5500 से ज़ायद TV शोज़ ऐसे हैं कि जिनकी मदद से राय आमा हमवार की जाती है, और ये साबित किया जाता है कि अमरीकी हुकूमत का हॉलीवुड पर मुकम्मल कंट्रोल है। दुनिया सहाफत को सिखाने वाला दुनिया का ये मुल्क अपनी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ख़ुद अपने इदारे को कैसे काबू करता है। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं। अमरीकी इंटेलिजेंस स्क्रिप्ट लिखने से लेकर फिल्म कैमरा और दीगर आलात उधार देने तक कोई भी चीज़ उनकी अगर मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो उसे काट दिया जाता है। बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पर उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी जाती है। और ये बातें अब टॉम सेकर और माइकल एल्फर्ड अपनी किताब नेशनल सिक्योरिटी सिनेमा द शॉकिंग न्यू एविडेंस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इन हॉलीवुड, इसमें उन्होंने की हैं। और इसके साथ साथ RT न्यूज़, जो एक बहुत बड़ा रूस का नेटवर्क है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि पेंटागन ने 540 मिलियन एक PR कंपनी को दिए थे कि नकली दहशतगर्दों की फिल्म बना सकें। हैरानकुन बात यह है कि पेंटागन सिर्फ लड़ाई झगड़े तशद्दुद से रिलेटेड या अपने आप को ग्लोरीफाई करने वाली फिल्में ही नहीं बनाते, बल्कि वो ज़ीरो डार्क 30 या आर्गो, जिसमें आपको याद होगा कैसे अमरीका का सफारतखाना ईरान में, वहाँ पर जो हुआ और किस तरह वो फिल्म बनी आर्गो, और वो बड़ी हिट भी फिल्म हुई, सिर्फ वही फिल्में नहीं बल्कि वो अब इस तरह की फिल्मों को भी रिपोर्ट करते हैं, जैसे उसमें हल्क है, ट्रांसफॉर्मर्स है, एवाटार है, और इवन द मीट द पेरेंट्स टाइप मूवी। टॉम सेकर और माइकल एल्फर्ड ने यह दावा भी किया अपनी किताब में कि ना सिर्फ अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट या CIA का इन तमाम फिल्मों पर बल्कि टॉक शोज़ पर और प्रोपेगेंडा शोज़ पर, रियलिटी TV के जो पब्लिक में ज़्यादा देखे जाते हैं, उन पर भी एक बड़ा गहरा असर और इन्फ्लुएंसर है, जैसे कपकेक वॉर्स नामी ओपरा और इवन अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट जैसे शो, ओपरा विनफ्री का शो भी था। अगर कोई प्रोड्यूसर या उनसे कोई रिसर्च करने या प्रोग्राम करने के लिए मिलिट्री से बात करे तो उसे पहले अपना स्क्रिप्ट दिखाना पड़ता था, जहाँ पर बाकायदा चेक करते थे या उसको उनका वो स्क्रिप्ट मिलता अपना, और फिर या फिर उनका मुआहदा होता। इसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर ज़ोर दिया जाता था वो ये था कि कोई फ़ौजी अफ़गानिस्तान या इराक या उन ममालिक से जो लड़ कर आए उनकी ज़हनी कैफियत पर कोई बात नहीं करनी, वरना आपको पता है वो किस तरफ उन फ़ौजियों के हालात जा रहे थे। उसकी वजह कि अमरीकी फ़ौजियों में ना सिर्फ ज़हनी बीमारियों का बल्कि आपको पता है अपने आप को भी, इस वजह से। और दूसरी सबसे अहम बात ये थी कि फ़ौज किसी सूरत में उनकी शिकस्त नहीं दिखानी। आपने ये नहीं दिखाना कि अमरीकी फ़ौज, चाहे वो वियतनाम की जंग का रेफरेंस हो, आप रेफरेंस तक नहीं दे सकते थे। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूँ, एक फिल्म कि जिसमें उन्होंने दिखाया कि कितना उस, जिसमें हल्क एक ऑपरेशन करता है, हल्क मूवी आपने देखी होगी, और उसका कोड नाम था रेंच हैंड। अब यही नाम वियतनाम की जंग में अमरीकी इस्तेमाल कर चुके हैं और उन्होंने इस नाम को बदलवा दिया। फिर टॉम क्रूज़ की टॉप गन फिल्म में भी बड़ा असर और सूख इस्तेमाल किया गया। सबसे बढ़कर जुरैसिक पार्क 3 में आप देखें कि फ़ौज के बारे में जो दिखाया गया, फ़ौज ने वो पूरी की पूरी फिल्म का स्क्रिप्ट दोबारा नए सिरे से लिखवाया। मतलब ये देखें कि CIA पेंटागन, जो अमरीकी डिफेंस डिपार्टमेंट है, उनका असर और सूख हॉलीवुड की इन फिल्मों पर जो आप देखते हैं वो कितना ज़्यादा है। अब आप ये सारा आपने देख लिया, आप समझ, लेकिन अब ये असर और सूख सिर्फ उन लोगों तक पोर्ट्रे नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर आप हिंदुस्तान को देखेंगे, हिंदुस्तान की में भी वहाँ पर बॉलीवुड पे बहुत ज़्यादा फ़ौज का असर रसूख है कि हर मार के, हर जंग के बाद फ़ौज के साथ कुछ भी हो, चाहे जैसा मर्जी अशर हो, बॉलीवुड की फिल्मों में आपको सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, शाहरुख खान, ये आपको मुकम्मल तौर पर गलत बयानी से वाक़ात बताएंगे, वो आपको जीतने वाले वाक़े बताएंगे, वो दिखाएंगे कितनी ग्लोरीफाई, कितनी बड़ी विक्ट्री हुई उनकी, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो कारगिल हो, जो भी हो। ये प्रेशर मतलब प्रोड्यूसर के ऊपर एक कॉल के ज़रिए तो होता है कि पूरी की पूरी फिल्म तब्दील कर देती है, बल्कि यहाँ तक होता है कि आपने बहुत सी फिल्में ऐसी भी देखी होंगी कि जिनमें घर से भागकर जो लड़की अगर जाए तो वो अगर वो हमेशा मुसलमान दिखाई जाएगी, वो कभी भी आपको वो हिंदू या कोई मज़हब नहीं दिखाएंगे। क्यों? लड़का हमेशा उस मज़हब का होगा। वहाँ पर माशरे में इतना प्रेशर डेवलप होता है मीडिया की तरफ से, और कि वो मजबूरी है। फिर भाईजान, आदाब, सारे के सारे आतंकवादी इनके जो हैं वो पाकिस्तान से आए होते हैं, आँखों में सुरमा लगा होगा, पगड़ी उन्होंने पहनी होगी, पान भी अक्सर खा रहे होंगे।
और वो सारे के सारे आपको दिखाएंगे कि ISI से ही ट्रेंड होकर आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, सारे के सारों का एक ही लेवल होता है। अब ये प्रोपेगेंडा और ये जो वॉर, ये समझ में आती है कि दो मुल्कों के दरमियान टेंशन चलती है तो दिखाया जाता है, इसमें हीरो हीरोइन को कम ग्लोरीफाई करते हैं, अपनी फौज को ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। और ये मेरे ख्याल में हर मुल्क का अपना एक सिस्टम है, अपना एक हक है कि वो अपनी अफवाज के बारे में जो मर्जी करें। पाकिस्तान में भी ISPR नगमे तराने फिल्में बनाते हैं, वो अपना नाम अलबत्ता ISPR ज़रूर ऊपर लिखा होता है कि ये ISPR के ताउन से बना है। और ये अब अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि जो फिल्में और ड्रामे तराने पाकिस्तान में बनाए, बस लिबरल गुस्सा करते हैं, और जी आप ड्रामों में लग गए हैं, जाएँ ना जंग करें, वहाँ वहाँ जाके जंग से छुड़ा के लाएँ इलाका। अब उन्हें समझ आएगी ये जो मैंने आज बातें बताई हैं। CIA, पेंटागन, पूरे का पूरा इंडिया, पाकिस्तान अफवाज, ISI इसी अंदाज में मालूमात और प्रोपेगेंडा की जंग में एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए सब कुछ करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं एक दूसरे को, अपने आप को उनको प्रोपेगेंडा से नीचे करते हैं। और ये जंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक कब की आ चुकी है, ट्विटर इसमें सबसे आगे है, वहाँ पर कीबोर्ड वॉरियर्स की बहुत तादाद है, और ये सारे के सारे आपको पता है मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम है। एक मसलन ग्रुप है सियासी ग्रुप है जिसमें हुकूमती पार्टी PTI, PMLN, PPP, जमात इस्लामी वगैरह वगैरह शामिल है। ये सियासी जमात है, ये आपस में ट्रॉलिंग करते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे स्कैंडल निकालते हैं। ये बड़ा एक आम सा ग्रुप है, ये दुनिया भर में एक ग्रुप इस तरह का मौजूद होता है। दूसरा ग्रुप है जो पाकिस्तान से भागे हुए लोग हैं, भागे हुए, निकाले हुए या जा चुके, वहाँ जाके असाइलम ले चुके हैं, वो रह रहे हैं वहाँ पर, उनको अपनी शनाख्त बचाने के लिए, बनाने के लिए, वो दुनिया मनवाने के लिए अपने आप को भी, वो अपनी आवाज़ को पहुँचाने का बहाना करके इदारों पर या पाकिस्तान के उन पर राइट इदारों पर राइट चीज़ों पर हमला करते हैं। उनकी ये कोशिश होती है पाकिस्तान का जो फेस है डिफेम किया जाए हर सूरत में। उनके अपने ज़ाती मसाले, किसे फ़र्द वायद फौज, किसी अफसर ने किसी को कुछ जुल्म किया, थप्पड़ मारे, लातें मारी हूँ, वो पूरी की पूरी फौज के निशाने पर रखते हैं। ज़ाती अनाद है, साफियों में भी है। मसलन आप तलत हुसैन साहब को देख लें, अंडर 19 में इमरान खान के जो रिश्तेदार थे उस वक्त, कुछ सेलेक्टर वगैरह, उन्होंने इनको अंडर 19 में नहीं सेलेक्ट किया। वो दिन और आज का दिन तलत हुसैन साहब इमरान खान के मुखालिफ है, मतलब इनकी एक राय बनती जाती है और ये एक उसी राय उसी डगर पे ये लोग काम करते हैं। जो ट्विटर के अलावा फिर आपको दूसरे मीडियम्स भी हैं, आपको पता है जहाँ पर इन्फ्लुएंसर आजकल वीडियोस में, अपने खिताबात में, अपने बयानात में इदारों पर, फौज पर, पाकिस्तान पर ये बात करते हैं, प्रोपेगेंडा भी करते हैं और ग्लोरीफाई भी करते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। आप इस सारे झूठ में से, ये सारा बहुत सारा इसमें झूठ होता है, बहुत सारा झूठ, इस सारे झूठ में से आपने थोड़ा सा सच निकाल के देखना होता है कि इसमें कितना, ये जो थोड़ा सा सच है ये कितना सच है, क्योंकि बाज़ इदारे, बाज़ लोग जो है वो अधूरा सच आपको बताते हैं। आपने मुकम्मल सच की तलाश में लगे रहना हर वक्त। मेरी राय है कि आप ये माइकल सेकर की किताब ज़रूर पढ़ें, इस किताब पढ़ने से आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। जिन लोगों को लगता है ना कि पाकिस्तान में शायद मीडिया या सहाफ़ी आज़ाद नहीं है, या पाकिस्तान में यहाँ पर जो स्टेट में अगर किसी तरह कोई नॉन स्टेट एक्टर्स अगर उसमें किरदार अदा करते हैं, तो वो ये ज़रा देख लें कि दुनिया भर में अमरीका, बरतानिया, कनाडा, ये सारे ममालिक, ये किस तरह अपने अपने ममालिक के जो उनके मीडिया में कैसे वो बात करते हैं, ये ज़रा चेक करें और फिर आप अपने भी लोगों पर ज़रूर तनकीद करें।